नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सहयोगी दल भाजपा है, मगर सीट में भाजपा जदयू से काफ़ी आगे है। अगर हम बात करें इस बात पर तो बिहार में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, तो दूसरा भाजपा है और तीसरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है। ऐसे में अब बिहार में जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये संकेत साफ तौर से नज़र आ रहा है कि भाजपा अब बिहार में अपना पांव पसारने की पूरी तैयारी में है। जिस तरह से जेपी नड्डा 30 जुलाई को पटना पहुँचे और 31 जुलाई को पहुँच रहे हैं देश के गृह मंत्री और भाजपा के दूसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह, ये एक तरह से देखा जाए तो बिहार में भाजपा अब अपनी पूरी तरह से देखा जाए तो पैठ बनाने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कान खड़े करने वाला हाल है, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का आगाह ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि ये बात भी अब उठ रही है भाजपा की तरफ से कि बिहार में विधानसभा की 243 सीट है और भाजपा ने एक तरह का कहा जाए तो भाजपा के ही अंदर से ये आवाज़ अब उठनी शुरू हो गई है कि 200 सीट पर आगामी चुनाव में भाजपा चुनाव लड़ेगी तो जदयू के लिए सिर्फ 43 सीट ही दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर है इस मामले को लेकर कि बिहार में एनडीए गठबंधन क्या मजबूती के साथ सरकार में है, क्योंकि कई मुद्दों पर भाजपा और जदयू आमने सामने नज़र आया है। बात अगर CAA की करें तो इस मुद्दे पर भी नीतीश कुमार का रुख भाजपा से अलग रहा। वहीं जातीय जनगणना को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा आमने सामने खड़े नज़र आए। वहीं अगर हम इस दिशा में देखते चले जाएं तो अजान का मुद्दा उठा, उस पर भी नीतीश कुमार ने साफ तौर से कहा कि ये सारी बातें बात करने के लायक भी नहीं है, इस पर बात अगर बहस होती भी है तो ये आधारलेस है, इसका कोई आधार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि बिहार में भाजपा और जदयू के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं हैं। अगर हम मुकेश सैनी की बात करें तो उन्हें पहले ही इस एनडीए गठबंधन से बाहर कर दिया गया। एमएलसी का पद भी अब नहीं रहा, एमएलसी भी नहीं रहे मुकेश सैनी, मंत्री का पद तो पहले ही छीन लिया गया। वहीं जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी गठबंधन में हैं, मगर राष्ट्रीय जनता दल भी अपने तरफ से काफ़ी तरह की बात चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ भी झुकाव हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मगर ये सारी बातें जो भी हो, मगर इतना ज़रूर है कि एनडीए गठबंधन के हालात अच्छे नहीं हैं। मगर एक बात जो साफ़ है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर एनडीए के चेहरा नहीं होंगे तो क्या भाजपा के लिए आसान होगा कि बिहार में अपना पांव पसार सके? क्योंकि अगर हम बात करें भाजपा के कोर वोटर की तो जो अपर कास्ट भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं वो लगभग 11% हैं। ऐसे में भाजपा के लिए ये अपने आप में एक चैलेंज है बिहार में अपना पांव पसारना। मगर संकेत इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अब दूसरे नंबर पर लेकर चलने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर हम बात करें अमित शाह और जेपी नड्डा की तो उनका बिहार आना और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनसे नहीं मिलना, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से संक्रमित हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना तो अमित शाह से मिलेंगे और ना ही जेपी नड्डा से। मगर ये सारे इशारे कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की तरफ भी हो रहे हैं। अब देखना है आगे की रणनीति पर फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ चैनल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।